एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली ब्यूटीफुल हाई बन हेयर स्टाइल। तो इससे पहले वाली वीडियो भी एक क्लचर की मदद से हाई बन, इसी वाले क्लचर की मदद से मैंने हाई बन हेयर स्टाइल बताया था जो कि बहुत ही ईजी है एंड बहुत ही स्टाइलिश लगेगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लीजिएगा और आज का वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। इंस्टा पे जरूर जाइएगा, इंस्टा पे मेरी फनी रील्स वीडियोज देखने को मिलेंगी आप लोगों को। इंस्टा आईडी प्रीत तिवारी 24 है एंड सेकेंड चैनल है सिलाई कोच प्रीत तिवारी, जिसे मैं सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज अपलोड करते रहती हूँ। तो प्लीज़ वहाँ पर भी जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। जैसे इधर से मैंने ये लाइन निकाली हुई है, सेम इसी तरीके से आपको इस साइड से भी निकालना है लाइन। और जो आपका सेंटर का हेयर है इसमें आपको एक फ्रेंच ब्रेड बनानी है। उसके लिए आपको लेना है यहाँ से थोड़ा सा हेयर, इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन उल्टी तरफ से जैसे उल्टी फ्रेंच चोटी बनाते हैं ना, वैसे आपको यहाँ पे चोटी बनानी है और थोड़ा थोड़ा हेयर ऐड करते जाना है। ओके, ये जो हमने लाइन बनाई है, मांग निकाली है, इसके अंदर ही अंदर आपको हेयर को लेना है, लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आपको ये चोटी क्राउन एरिया तक बनानी है। आराम आराम से करिएगा, अगर आपने आपको हेयर स्टाइल बनाने नहीं आता है थोड़ा सा आराम से करेंगे तो आसानी से बना लोगे। तो इस तरीके से पूरा क्राउन एरिया तक आपको ये फ्रेंच ब्रेड बना लेनी है। अब जैसे इधर बनाया है सेम उसी तरीके से आपको इस साइड में भी बना लेना है। थोड़ा थोड़ा हेयर ऐड करते जाना है। जिसका बहुत छोटा फेस होता है उस पर ये हेयर स्टाइल बहुत ही प्यारा लगेगा। तो छोटे फेस के लिए हाई बन हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा दिखेगा, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिसका भी छोटा फेस है या फिर बहुत छोटा फोरहेड है उस पर ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से गूँथने के बाद से इसको भी मैं क्लिप से यहाँ पे सिक्योर कर दे रही हूँ। बाकी सारे हेयर को एक हाई पोनीटेल बनानी है। तो आप देख सकते हो इस तरीके का लुक आएगा आपका फ्रंट से। अब बाकी सारे हेयर को अच्छे से कॉम करेंगे और एक हाई पोनीटेल बना लेंगे। हाई पोनीटेल बनाने के टाइम पे आप चाहो तो क्लिप्स को रिमूव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जितने भी क्लिप्स मैंने लगाई थी अपने हेयर स्टाइल को होल्ड करने के लिए उन सबको निकाल दे रही हूँ। और एकदम अपने क्राउन एरिया पे एक पोनीटेल बना लेंगे रबर बैंड की मदद से। ओके, आप चाहो तो अगर आप कॉलेज गर्ल हो, ऑफिस गोइंग गर्ल हो, तो आप इस तरीके से अपने बालों को छोड़ भी सकते हो। और अगर आपको पोनीटेल अच्छा नहीं लगता है तो आप सिंपली अपने बालों को थोड़ा सा इस तरीके से करके हाफ हेयर में बैक कॉम्बिंग कर लेंगे, जिससे कि अगर आपके बाल बहुत पतले हल्के हैं तो थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए उसमें। इस तरीके से करने से हमारे बालों आपको खुद टच करने से फील होगा कि बहुत वॉल्यूम दिख रहा है आपके बालों में। अब आपको इस तरीके से करने के बाद से हल्का सा ट्विस्ट करना है एंड इस तरीके से बन बना लेना है एक, और बन को थोड़ा सा इस तरीके से मैसी सा ही छोड़ देना है एंड यू पिन से इसको सिक्योर कर लेना है अपने बन को। तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा एंड काफ़ी स्टाइलिश भी है। तो आप ये स्टाइलिश सा छोटे माथे के लिए ये वाला बन ट्राई कर सकते हो।
और ऐसे भी आप ऑफिस गोइंग गर्ल्स हो, कॉलेज गर्ल्स हो, आपको खुले बाल पसंद नहीं है, तो आप इस तरीके का बन बना के अपना ऑफिस, कॉलेज, पार्टी वगैरह अटेंड कर सकते हो। तो आई होप कि आज का हेयर स्टाइल आप लोग को पसंद आया हो एंड काफ़ी इजी है। कैसा लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से यूपिन्स की मदद से अपने हेयर स्टाइल को होल्ड कर लिया है, अच्छे से सेट कर लिया है, सिक्योर कर लिया ताकि खुल ना जाए। और इसका लुक कैसा आता है वो मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये है मेरा फ्रंट का लुक, इस तरीके से साइड से लगेगा। इस वाले हेयर स्टाइल के साथ आप बड़ी बड़ी बालियाँ इयररिंग्स पहनोगे, जैसे बड़ी बड़ी जो बालियों वाली इयररिंग्स होती है वो काफ़ी अच्छा लगेगा। और वेस्टर्न ड्रेस के साथ, जींस टॉप वगैरह के साथ आप ये हेयर स्टाइल करोगे तो और भी अच्छा लुक आएगा आपका। तो आप ज़रूर ट्राई करना, और आपको कैसा लगा हेयर स्टाइल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइज। आप लोग मैसेज करते हो, कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़ के। बैक से इस तरीके का लुक आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।